हेलो एवरीवन, आई एम नितिन सर फ्रॉम वीणा क्लासेस। स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने राउरकेला को स्टडी किया था। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है स्टूडेंट्स, वो किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, वो किस प्रकार से मोल फ्रैक्शन के सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन पर कैसे डिपेंड करता है, ये आज हम स्टडी करने वाले हैं। साथ में हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को भी देखेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की डेफिनेशन के साथ साथ हम ये देखेंगे कि राउल्ट्स लॉ के लिमिटेशंस क्या क्या है, उनको दोनों पॉइंट्स को भी स्टडी कर लेंगे। सो चलिए स्टूडेंट्स, बिना देरी किए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने राउल्ट्स लॉ को पढ़ा था, लेकिन उसमें हमें लिमिटेशंस को भी पढ़ना जरूरी था। सो आज हम पहले लिमिटेशंस को पढ़ेंगे राउल्ट्स लॉ के, उसके साथ साथ हम लोग फिर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ प्रेशर और उसका डेरिवेशन भी निकालना सीखेंगे। सो अब हम पढ़ रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ। लिमिटेशंस ऑफ राउल्ट्स लॉ, इसमें पहला पॉइंट हमारे पास ये है कि जो है राउल्ट्स लॉ किस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं होता है और कब वो एप्लीकेबल होता है। देखिए, हमने सॉल्यूशंस में कुछ बातें पढ़ी कि कुछ सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेट होते हैं, कुछ डाइल्यूट होते हैं। लेकिन यदि सॉल्यूशन बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन की रेट ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में उसके मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे से। और जब वो इंटरेक्ट करेंगे तो इंटरेक्ट करने के दौरान कुछ ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि जिसके अंतर्गत राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। लेकिन डाइल्यूट सॉल्यूशन जो होते हैं, डाइल्यूट सॉल्यूशन में कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, इसलिए इंटरेक्शन भी कम होता है। इंटरेक्शन कम होने कंडीशन में इसमें इजीली राउल्ट्स लॉ को एप्लीकेबल किया सकता है, अप्लाई किया सकता है। तो हम इस पहले पॉइंट को समझ पा रहे हैं कि किस कंडीशन में राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, जब हम कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन ले रहे हैं। रीज़न क्या देना है आंसर में कि राउल्ट्स लॉ जो है कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में इसलिए एप्लीकेबल नहीं हो रहा है क्योंकि उस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस में मॉलिक्यूल्स का इंटरेक्शन नॉर्मल से ज़्यादा है, इसलिए। जबकि डाइल्यूट में नॉर्मल कॉन्सेंट्रेशन होता है, नॉर्मल इंटरेक्शन होता है, इसलिए वहाँ पर राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल होता है। दूसरा पॉइंट ये है कि कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, कुछ इस प्रकार के सॉल्यूशंस होते हैं कि जिनमें एसोसिएशन भी होता है, डिसएसोसिएशन भी होता है। जैसे आपने देखा, एसोसिएशन में मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं, डिसएसोसिएशन में उनके आयन सेपरेट हो जाते हैं, मॉलिक्यूल्स सेपरेट हो जाते हैं। तो इन कंडीशनों में राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता। तो यहाँ हम देखते हैं कि जहाँ एसोसिएशन हो रहा है या डिसएसोसिएशन हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्यूशन जब हो रहा है, उन कंडीशनों में राउल्ट्स लॉ को हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। इसका भी एक रीज़न है, जैसे हमने इसका रीज़न दिया था कि इंटरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटरेक्शन। यहाँ पर इसका यह है कि जब हम इसका वेपर प्रेशर निकालते हैं तो वो वेपर प्रेशर हमने जो एक्सपेक्ट किया था उस वैल्यू से कहीं ना कहीं कम आता है, उसकी वैल्यू कम होकर आती है या डिफरेंट आती है, कभी कभी चेंज हो जाती है। सो इसलिए जिन केमिकल रिएक्शंस में मॉलिक्यूल्स का एसोसिएशन और डिसोसिएशन होता है, उन कंडीशनों में राउल्ट्स लॉ एप्लीकेबल नहीं होता है। यह एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, जैसे आप पोटेशियम क्लोराइड को ले लें तो उसमें पोटेशियम आयन और क्लोरीन आयन हमें मिल रहा है, डिसोसिएशन हो रहा है। यहाँ पे एसिटिक एसिड को ले लें, उसके दो मॉलिक्यूल लेंगे आप, दोनों कंबाइन हो जाते हैं तो यहाँ पर एसोसिएशन हो रहा है। एसोसिएशन डिसोसिएशन दोनों में राउल्ट्स लॉ कहीं भी एप्लीकेबल नहीं होता। तो एक सिंपल से दो पॉइंट के साथ ही क्वेश्चन पूरा होता है। अब हम हमारे मेन पॉइंट पर आ जाएंगे जिसको कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो है लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो स्टूडेंट्स, पहले हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को स्टडी करेंगे। लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए मैं आपको पहले डायग्राम बताता हूँ। ये मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में हमने प्योर सॉल्वेंट लिया है, प्योर सॉल्वेंट। और प्योर सॉल्वेंट वो कैसा है, प्योर सॉल्वेंट जो है वोलाटाइल है। वोलाटाइल होने के नाते उसका हर मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में जो प्रेजेंट है वो इवोपरेट हो सकता है और वेपर फेस में आ सकता है। तो यहाँ पे हम देखें कि यहाँ जितने भी मॉलिक्यूल सरफेस पर प्रेजेंट हैं उनकी टेंडेंसी ये होगी कि वो टेम्परेचर गेन करके इवोपरेट हो जाएंगे और अपने वेपर बनाएंगे, वेपर के द्वारा वेपर प्रेशर बनेगा। स्टूडेंट्स,
यहाँ पे मैंने क्लोज कंटेनर के अंदर से लिया हुआ है और यह प्योर सॉल्वेंट जो वोलाटाइल है, वोलाटाइल होने के कारण जब हम इसे हीट देंगे तो ऑब्वियसली ये सारे मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और यहाँ पर जो वेपर प्रेशर बनेगा वो पी नॉट ए होगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट जो वोलाटाइल हो उसका वेपर प्रेशर पी नॉट ए से हमने राउल्ट्स लॉ में भी स्टडी किया हुआ है। तो ये इस तरीके से हम देखते हैं कि यहाँ वेपर बहुत ज़्यादा बनेगी क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स लगभग जो सरफेस पे प्रेजेंट है वो सब वेपराइज हो रहे हैं, वेपराइज होकर ज़्यादा वेपर बन रहा है तो उस पर यहाँ पर वेपर प्रेशर भी ज़्यादा आएगा। लेकिन यदि मैं अब दूसरे कंटेनर में सॉल्वेंट यही रखूँ जो मैंने लिया हुआ है और उसमें साथ में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट थोड़ा सा ऐड कर दूँ, थोड़ा मिक्स कर दूँ उसमें, तो ये बात कंफर्म हो गई कि अब सॉल्वेंट के सारे मॉलिक्यूल नहीं बचे हैं, उसके साथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी बचे हैं, मॉलिक्यूल्स भी बचे हैं जो वेपरेबल नहीं है और ना वेपर फेस में कन्वर्ट हो सकते हैं और वो भी सरफेस पे भी होंगे निश्चित रूप से। यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो उन मॉलिक्यूल्स में, सरफेस मॉलिक्यूल्स में सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जिनको मैं हॉलो के रूप में बता रहा हूँ और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट जो है वो हम इस तरीके से थोड़ा डार्क कर देते हैं ताकि हम सरफेस पे उनको देख सकें कि प्रेजेंट सरफेस पे सभी की है। ये देखिए आप सरफेस पे दोनों मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, सॉल्वेंट के हॉलो है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के डार्क है, दोनों प्रेजेंट है। अब यदि हम सेम हीट इसको देते हैं, सेम टेम्परेचर रखते हैं, तो उसमें से केवल वेपर बनाने के लिए यही मॉलिक्यूल अवेलेबल है हमें जो सरफेस पे, आप डायग्राम से भी देख सकते हैं और जनरल सोर्स से बता सकते हैं कि यहाँ पर देखिए सभी जो है मॉलिक्यूल्स वेपर फेस में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पर उनके नंबर्स डिक्रीज हो गए क्योंकि सरफेस में उनके साथ साथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट हैं तो वो वेपर नहीं बना पाएंगे, तो यहाँ वेपर बहुत कम बनेगा। तो यहाँ वेपर प्रेशर हम पीए कंसिडर करते हैं, तो यहाँ देख रहे हैं वेपर प्रेशर कम हो गया, वेपर प्रेशर कम हो गया, कम होना यानी लोअर होना, दैट मीन्स लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो यहाँ पे एक बात हमने देख ली, क्या समझ में आ रही है हमको एक बात कि यदि हम किसी प्योर सॉल्वेंट जो वोलाटाइल हो उसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट की थोड़ी सी क्वांटिटी भी मिक्स कर देते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो है पहले से कम हो जाता है, अर्थात प्योर सॉल्वेंट वोलाटाइल जो होता है उससे कम हो जाता है, इसलिए इस कंडीशन को हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस चीज़ को जो मैंने समझाया उसकी डेफिनेशन ही हमारे पास है, इसको हम देखते हैं। सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ये देखिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन विथ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज ऑलवेज लेसर, यहाँ कम आ रहा है देखिए, यहाँ मैंने लिखा है इज ऑलवेज लेसर देन वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, अभी प्योर सॉल्वेंट है प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर, दोनों का टेम्परेचर सेम है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये पी नॉट ए की वैल्यू हमेशा ज़्यादा आ रही पी ए से, यानी पी ए कम हो जाता है, ये कमी ही, ये जो कमी हो रही है इसी को हम कह रहे हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस इज नोन एज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि पी ए इज ऑलवेज लेस देन पी नॉट ए, पी नॉट ए हमेशा ज़्यादा रहेगा क्योंकि वो प्योर और प्योर है, साथ में खास बात हम देख भी रहे हैं प्योर है और सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो वेपोरेबल्स फेस में इजीली आ जाते हैं, जबकि यहाँ पर सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सब वेपर फेस में नहीं आ रहे हैं, इसलिए हम इस कंडीशन को भी समझ सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, अब हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हमें ऐसा फील होता है कि वेपर प्रेशर की लोअरिंग से सके रिलेशन है, लेकिन ये एक डेरिवेशन पार्ट है और डेरिवेशन पार्ट जो है राउल्ट्स लॉ पर डिपेंड करता है। सो चलिए शुरू करते हैं। अब हम जानते हैं कि राउल्ट्स लॉ, अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निश्चित रूप से उस सॉल्यूशन में हुआ होगा जहाँ पे नॉन वेपोरेबल सॉल्यूट प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हम यह मान के चलते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हम यदि ए को लेते हैं, यदि सिंबॉलिक लेते हैं ए और बी, तो ए हमारा सॉल्वेंट को सिंबॉल ए हमारा जो है वो सॉल्वेंट का सिंबल है और बी हमारा सॉल्यूट का सिंबल है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि राउल्ट्स लॉ के लिए हम यदि सीधी बात करें तो राउल्ट्स लॉ आपको पता है कि वेपर प्रेशर ऑफ ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, ए मीन्स सॉल्वेंट विच इज प्योर, प्योर सॉल्वेंट के लिए। तो यहाँ यदि मैं इसी को आगे बढ़ाते हुए इस प्रोपोर्शनल साइन को हटाऊंगा तो एक कॉन्स्टेंट मुझे लगाना पड़ेगा, वो मैं के ले रहा हूँ यहाँ पे, के एंड जीटा है।
तो यह जीटा ए के साथ में हमने के लिया। अब एक बात जो आपकी पढ़ी हुई है प्रीवियस, यदि आपको अभी पूरा क्लियर ना हो तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके वो फिर से देख सकते हैं, और जब मैंने इस चीज़ को पूरी तरह से क्लियर किया हुआ है आप उसे समझ सकते हैं और फिर से इसे देख सकते हैं। यदि मैं आपको बता दूँ कि एक्स ए जीटा इक्वल टू वन हो, जीटा ए वन हुआ मतलब मॉल फ्रैक्शन वन, मॉल फ्रैक्शन वन यानी एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी सेम है, उनका रेशो वन हो गया है, तो इस कंडीशन में ये जो वेपर प्रेशर है ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी नॉट ए, क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर बन गया है क्योंकि अब मोल फ्रैक्शन वन हो चुका है। तो यहाँ पे हम ये वैल्यू रख देंगे पी नॉट ए, पी ए को डिस्प्लेस करके होगा के, लेकिन ये कब हुआ, जब हमारा जेटा ए की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है। सो के इक्वल टू पी नॉट ए, ये हमारे पास एक वैल्यू आ जाती है। ये आपने राउल्ट्स लॉ से लिया, हम इसे इक्वेशन फर्स्ट दे देते हैं। अब ये के की वैल्यू यदि हम इक्वेशन फर्स्ट में रखते हैं तो देखिए आप क्या होता है, पी ए इक्वल टू के, के की प्लेस में पी नॉट ए जीटा ए, ये कंडीशन हमारे पास आ जाती है। सो स्टूडेंट्स, ये कंडीशन तो हमने राउल्ट्स लॉ में प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की हुई है, इसलिए सेम मैटर है, इसको आप इजीली आगे बढ़ा सकते हैं। अब एक और भी मेमोरी में अपनी बात लाइए कि सम ऑफ द मोल फ्रैक्शंस ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्वेंट सॉल्यूट इज ऑलवेज वन, तो यहाँ पे हम इस बात को देखते हैं और उसको यूज करेंगे। यहाँ पे हम जीटा ए प्लस जीटा बी इक्वल टू वन फॉर एवरी सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक्स है, हमारे पास जीटा है, जीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं हम यहाँ से, जीटा ए इक्वल टू वन माइनस जीटा बी, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे P नॉट ए वन माइनस जीटा बी। अब पी ए पी नॉट ए को मल्टीप्लाई किया पी नॉट ए जीटा बी, पी नॉट ए जीटा बी इधर ले लिया, उधर इक्वल में है पी नॉट ए, और पी ए उस ओर जाएगा पी ए, जीटा बी की वैल्यू निकाल, जीटा बी इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए। हम यहां देख रहे हैं कि एक रेशो मिल रहा है हमें, और यही रेशो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहलाता है। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि रिलेटिव वेपर प्रेशर क्या है, लेकिन उसका एक स्टेटमेंट अलग फॉर्म में दे देते हैं और हमें कन्फ्यूज करते हैं कि क्वेश्चन किस फॉर्म में आया। तो वो आया कि वॉट इज रिलेटिव रिलेटिव वेपर प्रेशर लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ऐसा नहीं आएगा, वो ऐसा आएगा कि प्रूव दैट रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन का पैटर्न अलग हो गया, हमको लगता था कि डेफिनेशन पूछा है लेकिन उन्होंने प्रूव करने के लिए दिया, इसलिए मैनली इसका डेरिवेशन कॉन्सेंट्रेट करें, उसी से उसकी डेफिनेशन निकल आती है। आप यहाँ पर मैंशन कर सकते हैं कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज नोन एज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। स्टेटमेंट के लिए फिर आप यहाँ पे लिख देंगे इस चीज़ को जो मैंने अभी बताई कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट्स, जैसे हमारा ये कंप्लीट हो रहा है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, कभी कभी एक चीज़ हमारे ब्रेन में आती है कि ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कौन सी टर्म है, क्या टर्म्स हैं, तो ये सॉल्यूशन के अंतर्गत हम इन टर्म्स को स्टडी करते हैं। ऐसी और भी टर्म्स आती हैं जैसे कि ऑस्मोटिक प्रेशर है, या और भी हम आगे स्टडी करेंगे, ऐसी टर्म्स आती हैं तो इन टर्म्स को हम क्या कहते हैं। तो मैं इस बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन टर्म्स को क्या कहा जाता है, और एक छोटा सा वर्ड यहाँ पे आता है, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन हमारे नॉलेज में इसको होना चाहिए ताकि हम अपने नॉलेज को एनहेंस कर सकें। सो स्टूडेंट्स, हमने अभी जैसे स्टडी किया कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, लेकिन कभी कभी हमारे दिमाग में बात आ जाती है कि ये कौन सी टर्म्स हैं, सॉल्यूशन में इनके साथ क्या रिलेशन है। तो ऐसे कुछ टर्म्स हैं जैसे यहाँ पे लोअरिंग वेपर प्रेशर आया, साथ में कभी ऑस्मोटिक प्रेशर आएगा, या फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर भी ऐसे पॉइंट्स आने वाले हैं, तो वो इन सभी को एक पर्टिकुलर वर्ड से समझाया जाता है। वो वर्ड कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन हमें अपने को सब याद रखने के लिए बेहतर चीज़ है। तो उसको कहा जाता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज है जो नंबर्स ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है, ना कि इनके नेचर पे।
इनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती। जो प्रॉपर्टी किसी सॉल्यूशन में प्रेजेंट मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स के नंबर्स पर डिपेंड करती है, उनके नेचर पर डिपेंड नहीं करती, उसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहा जाता है। ये टर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ एब्रोपेशन इसी से रिलेटेड है, इसी क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में ही इन चीज़ों को पढ़ाया जाता है। ये क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज ही पढ़ रहे हैं हम लोग। सो डेफिनेशन किस प्रकार से देखें, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोल्स नंबर्स आर पार्टिकल नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स आर इम्पॉर्टेंट बट देयर नेचर इज नॉट इम्पॉर्टेंट नोन एज क्वालिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक यहीं कम्प्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस को पढ़ेंगे। लेकिन स्टूडेंट्स, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, इसमें समझ में बेहतर आया है, तो आप अपने स्टूडेंट्स का अपने दोस्तों के साथ इसे लाइक शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि और आपकी यदि कोई प्रॉब्लम पर्सनली बन रही है, इसमें क्वेश्चन रिलेटेड आ रहे हैं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं कोशिश करूँगा कि मैं प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आंसर दे सकूँ। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो तक स्टेबलाइज्ड।